इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान संकट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड पे हैं। उन्हें अफगानिस्तान में फंसे एक एक भारतीय की फिक्र है, जिसे देखते हुए उन्होंने CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात साफ कर दी है कि अफगानिस्तान से न केवल भारतीयों को लाना है बल्कि वो हिंदू और सिख नागरिक जो भारत आना चाहते हैं उन्हें भी सुरक्षित लाना है। इसी कड़ी में अब तक अफगानिस्तान से पिछले 3 दिनों में 192 भारतीयों को स्वदेश लाया जा चुका है। भारत पहुंचने के बाद लोगों का क्या रिएक्शन रहा और पीएम मोदी का आगे का क्या प्लान है, इस रिपोर्ट में देखिए। काबुल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे जब इन भारतीयों को एयरलिफ्ट कर भारत लाया गया और जब ये अपनी सरजमी पर पहुंचे तो अनायास ही देशभक्ति के स्वर फूट पड़े। आंखें नम हो गईं, कांपते शरीर को थोड़ी राहत मिली, धड़कते दिल को सुकून मिला और दिमाग तो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि अब उन्हें एक नई जिंदगी मिल गई है। तस्वीरें गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट की हैं, जहां काबुल से हमारे एम्बेसडर समेत 150 लोगों को भारत लाया गया। 2 फेज में इवैक्यूएशन का प्रोसेस किया गया। 3 दिन में 192 हिंदुस्तानी भारत लाए जा चुके हैं और बचे हुए लोगों की वापसी के लिए पूरी तैयारी है। काबुल से जो लोग भारत आए उनमें काबुल में भारत के एम्बेसडर रुद्रेंद्र टंडन भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि कैसे काबुल में एक एक मिनट एक एक बरस के समान बीत रहा था। You cannot imagine how great it is to be back home. I tell you, after 2 weeks of very intense work, complicated situation, having to take decisions and work in conditions that were very unusual, I am very happy, and I think the whole mission is very happy that it's finally over. And that we are back home safely, securely, without any accidents or, you know, harm to any of our people. Different wings did different jobs. Some of the jobs I can't even mention, but it all came together, and we are finally here, safe and secure in front of you. काबुल में भारतीय एम्बेसी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ITBP को सौंपी गई थी। ITBP के कमांडिंग अफसर रवि गौतम इस मिशन के बड़े हीरोज में से एक हैं, जिनसे हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने बातचीत की। इस मिशन के सफल होने पर उन्होंने राहत की सांस ली। हमारे साथ रवि गौतम हैं। बेहद बहादुरी के साथ पूरे एम्बेसी को सिक्योर किया, ग्रीन जोन को सिक्योर किया, और जब तालिबान आगे बढ़ रहा था तो रोकने वाले यही वो हिमवीर थे। सर, कितनी तैयारी के साथ उतरे, पिछले 24 घंटे कैसे बीते हैं आपको? नहीं, पिछले 15 अगस्त से लेकर अभी तक जो है मेरी कमांडोज की टीम लगातार ऑपरेशनल प्लानिंग, ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन में लगी हुई थी। और ऑब्वियसली जब इस तरह के विदेश की धरती पर आपको अपने लोगों को निकालना हो तो ऑपरेशन काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आपके पास रीइन्फोर्समेंट नहीं है, रिसोर्सेज सरकार के जो रिसोर्सेज होते हैं बेस्ट वही अवेलेबल रहते हैं। और जबकि कोई सरकार वहाँ नहीं थी, लड़ाई गलियों में चल रही थी, गोली और ब्लास्ट आसपास चल रहे थे, ऐसे में अपने लोगों को निकालना निहायत ही चैलेंजिंग काम था। वाकई ये काम बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि चाहे काबुल की बात करें या वहाँ के एयरपोर्ट की, हालात काफी बदतर थे। जिसे देखते हुए काबुल से भारतीयों को वापस लाने वाले मिशन एयरलिफ्ट की तैयारी युद्ध स्तर पर की गई, और ये सब कुछ हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डेडिकेशन और काबुल में एक भी भारतीय का बाल भी बांका नहीं होने देने के कॉन्फिडेंस ने। पीएम आवास पर CCS की बैठक हुई। मीटिंग में पीएम समेत गृह मंत्री और रक्षा मंत्री मौजूद रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में अफगानिस्तान के मुद्दे पर डिटेल में चर्चा की गई। हर सिचुएशन से निपटने के प्लान पर बात हुई। काबुल से इंडियन एयरफोर्स का विमान उड़ने से लेकर भारत में लैंड करने तक मोदी हर छोटी बड़ी अपडेट खुद ले रहे थे।
काबुल से जामनगर पहुंचने वाले भारतीय नागरिकों के खाने पीने के इंतजाम से लेकर उनका ख्याल रखने तक पीएम मोदी का मैसेज क्लियर है, कहीं कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। काबुल से ये मिशन एयरलिफ्ट अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो इसकी शुरुआत भर हुई है। भारत ने अफगानिस्तान से अपने एम्बेसी के अधिकारियों को भारत बुला लिया है, साथ ही काबुल से भारतीयों को वापस लाने वाले मिशन एयरलिफ्ट की तैयारी भी युद्ध स्तर पर की गई। अब उस तैयारी के बारे में जान लीजिए। तजाकिस्तान के एनी एयरपोर्ट पर C-17 ग्लोब मास्टर को स्टैंड बाई पर रखा गया था, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ काफी ज्यादा थी। काबुल हवाई अड्डे को अमेरिका ने कब्जे में ले रखा है, इसलिए अमेरिका से बात हुई। फोन पर पहले से ही भारत के लोगों की डिटेल जमा कर ली गई थी। एक दूतावास और 4 काउंसलेट अफगानिस्तान में काम कर रहे थे, इन सब को फिलहाल बंद कर दिया गया है। 15 अगस्त से पहले 1500 लोगों ने हिंदुस्तान आने की इच्छा जताई थी। 150 और लोगों ने 15 अगस्त के बाद भारत आने की बात कही, यानी कुल मुसाफिर 1650 हैं और इन्हें भारत लाया जाना है। इन्हें लाने के लिए सिर्फ एयर इंडिया या C-17 ग्लोब मास्टर ही नहीं बल्कि कतर एयरलाइंस को भी भेजा जाएगा। भारतीयों को वापस लाने के लिए चार्टर प्लेन हायर करने के प्लान पर भी काम हो रहा है। अमेरिका या बाकी पश्चिमी देशों के नागरिक से पहले भारत के लोगों को प्रायोरिटी मिले, ये कोशिश की जाएगी। CCS की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाए जाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी क्लियर किया कि न सिर्फ भारतीय नागरिकों को वापस लाना है बल्कि इसके साथ ही अफगानिस्तान के वो हिंदू और सिख नागरिक जो भारत आना चाहते हैं उन्हें भी बचाना है। प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान के नागरिकों को भी भरोसा दिलाया है कि जो भी अफगानी नागरिक भारत आना चाहते हैं उन्हें सरकार हर संभव मदद करेगी। तालिबान की वापसी से सबसे ज्यादा मुसीबत में हैं वहां बसे हिंदू और सिख, क्योंकि तालिबान शरिया कानून लागू करेगा, इसलिए हजारों सिखों ने अपने अपने इलाके के गुरुद्वारों में शरण ली है। ये लोग भी भारत से मदद मांग रहे हैं। काबुल के एक गुरुद्वारे में छिपे 285 सिख और हिंदुओं ने भारत सरकार से जान बचाने की अपील की है। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ 285 ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਾਬੁਲ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ USA ਕੈਨੇਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। कल काबुल से कुल 192 भारतीयों को वापस लाया गया है, लेकिन भारत के लोग तो अफगानिस्तान के हर शहर में हैं, हर कस्बे में हैं, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान को फिर अपने पैरों पर खड़ा करने में सबसे ज्यादा मदद की है। भारत सरकार ने करीब 21,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। हमारे इंजीनियर और वर्कर्स वहां पर हैं, सबको वापस लाना है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल एक्शन में हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।